मैं हूं कपिल देव और आज हमारे साथ जो खिलाड़ी जुड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के कप्तान रह चुके हैं सुरेश, थैंक यू वेरी मच आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं, ये यो-यो टेस्ट क्या है, क्योंकि यो-यो गेम ही हमें खेलनी है आपके साथ। सबसे पहले यो-यो टेस्ट के कुछ प्रश्न पूछूं आपसे। वन डे कैप नंबर, जो टेस्ट कैप का मिलता है उसका क्या नंबर है आपका? इतना समय नहीं दूंगा मैं। वन डे कैप अभी 157। मेरे को नहीं पता, आपने बता दिया। ओके, आप करीब हो, चलो फेल हो गए उसमें, पर फिर भी आपको पास दिया 159। कितने इंटरनेशनल शतक लगाए हैं आपने? 5, 6, 9 बाजी टोटल। आप तो मेरे जैसे हैं, मेरे को भी अपने रिकॉर्ड नहीं पता, आपको भी अपने रिकॉर्ड नहीं पता, तो आपने 7 सॉरी भाई, 2 ज्यादा बता दिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर टेस्ट में और वनडे में? वनडे में होगा पाजी। नहीं, दोनों में स्कोर बताना है, कितना कितना किया आपने? टेस्ट मैच का हाईएस्ट स्कोर क्या आपका? मेरा है 123 पाजी। ओके, एंड वनडे में? वनडे में है मेरा 116 और 100 एंड समथिंग पाजी। बिल्कुल मेरी तरह हो, आपको कुछ पता नहीं। 120 टेस्ट मैच में, 116 वनडे में। वनडे जब आप खेले कितने साल के थे? वनडे जब मैं खेला था पाजी 17 साल का हो गया था, 18वां चल रहा था 2005 में। ओके, कौन से साल टीम इंडिया लीड किया आपने जिम्बाब्वे जब आप गए? 2010 में पाजी। एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने पूरी इंडियन टीम के लिए खाना भी बनाया, तो खाना बनाना तो आपको काफी अच्छा लगता है ऐसा सुना है। जी, शौकीन है भाई, मटके में कभी मटन बनाना, क्योंकि स्टार्टिंग में हॉस्टल में थे तो सीखते थे। फिर डिंडा, और अशोक डिंडा है भाजी कैलकटा का, उसको भी बड़ा शौक है, तो हम लोगों ने बड़ा वो चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी बनाया था, अंडे वाला, वो कैलकटा स्टाइल। तो मेरा तो देसी वाला पंजाबी स्टाइल है इधर दिल्ली, तो मैंने थोड़ा उसमें मिर्ची या अपना थोड़ा घी लेके जाते थे, मम्मी वो डब्बे में डालती थी, तो वो काम आ गया सबके लिए उस टाइम पे, तो बड़ा मजा आया भाजी। तो आपकी वाइफ तो बहुत खुश होगी, खाना भी आप बना लेते, और क्या चाहिए? नहीं, खाना बनाते हैं, लेकिन पाजी वो वेजिटेरियन है, मुझे थोड़ा गोश्त खाना पसंद है। तो फाइट हो जाती है कभी कभी। ये यो-यो टेस्ट क्या है? हमारे वक्त ऐसा नहीं होता था, हमारे समय होता तो आधे प्लेयर अनफिट हो जाते जो सुनने में आता है। नहीं, एक तरह का पाजी विराट ने एक अच्छा स्टार्ट किया था, वो फिटनेस, ये ड्रिल्स है जिसमें एजिलिटी है, स्पीड है, और मैंने काफी 2 महीने उसमें मेहनत करा था, तो उसका जो पासिंग लेवल है 16 है, और मैंने पाजी 16.9 किया था, क्योंकि इसमें पाजी थोड़ा टाइम लगता है फिटनेस, आपको बॉडी जब आपकी टायर्ड है और आपको थोड़ा प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, तो काफी सारे प्लेयर्स को इतना क्रिकेट खेलते हैं या कुछ होते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम मिलेगा तो पाजी अच्छे से हो सकता है ये। बट इट्स अ टफ कॉल, सारे खिलाड़ी तो इतने आप जैसे फिट नहीं है। अगर आप देखिए प्लेयर लाइक अनिल कुंबले, जो उनसे बेहतर हिंदुस्तान ने बॉलर नहीं पैदा किया, अगर उनको यो-यो टेस्ट करना होता तो लाइक अश्विन, सौरव गांगुली, कुछ ऐसे प्लेयर आते हैं जो हमें लगता है कि यो-यो टेस्ट में बहुत मुश्किल हो सकती थी इनके लिए। बिल्कुल भाजी, सही बात है। बहुत सारे ऐसे भी और नाम है जो ग्राउंड्स पे आपको दिखेंगे कि बहुत अच्छे शॉट ही खेलते हैं, लेकिन जब रनिंग बिटवीन द विकेट होती है तो वो भागना उनको पसंद वैसा नहीं है जैसे होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे यो-यो का एक है, लेकिन ऐसा कोई ग्राउंड का भी रनिंग होना चाहिए, 10 चक्कर मारने वाला प्रैक्टिस कर लो, या 5 राउंड इतना टाइम डिफरेंस कर लो, जैसे आपके टाइम में 10 राउंड 15 राउंड लगाने के बाद आप लोग 2-2 घंटा बॉलिंग भी कर रहे हो, उसके बाद सारे जितने टैलेंटेड बैट्समैन है उनको यॉर्कर भी प्रैक्टिस, उनको भी बॉलिंग कर रहे हो, अभी तो थोड़ी देर में बॉलर थक जाते हैं, फिर आइस बाथ भी चाहिए उनको, उनको फिर एक अलग तरीके काले पीले नीले ड्रिंक आ गए आजकल उसको, तो वो भी पीना है, तो मुझे पहले थोड़ा भी समझ नहीं आता कि कैसे इनको करना है वो चीज। 2010 29 जुलाई आपको मालूम है क्या हुआ था? कि टेस्ट मैच का डेब्यू हुआ था मेरा शायद। और क्या उसमें खास बात क्या थी? टेस्ट डेब्यू में पाजी 100 बनाया था मैंने, वो बहुत प्राउड मोमेंट है। 29 जुलाई, जो कुछ आपको याद आता है बता दीजिए, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में भी ले जाऊंगा। नहीं, उसमें डेब्यू हुआ, 100 बनाया, राहुल भाई ने कैप दिया मुझको, और पाजी ने 200 बनाया था सचिन तेंदुलकर पाजी ने।
आपकी और उनकी पार्टनरशिप कितने की थी? 365 360 350 पड़ी। आपको तो बहुत ही पढ़ने वाली है, 256 रन की। अभी वो मेरे को याद है, मैंने देखा भी नहीं, मुझे इतना याद है कि आपने और सचिन तेंदुलकर ने 256 260 की मैं सोच रहा था, पर जब डिटेल में गया 256 रन की आप दोनों की साझेदारी थी। जी पड़ी, मुझे लगता है कि अच्छा लगा मिलकर, क्योंकि मैं आपसे भी बुरा हूं। अगर मेरे बारे में कोई पूछे तो मुझे तो बिल्कुल नहीं अपने बारे में याद, तो मैंने कहा शायद बहुत कम ऐसे क्रिकेटर होंगे, सबको अपने रिकॉर्ड याद रहते हैं, पर अच्छा लगा आपसे मिलके। किसके साथ खेलकर मजा आता था ज्यादा, बैटिंग करते हुए, सचिन तेंदुलकर और MS धोनी? आई थिंक धोनी, मैंने ज्यादा बैटिंग किया है क्योंकि हम मिडिल ऑर्डर में खेलते थे पाजी, तो धोनी कहूंगा कि धोनी पाजी ने काफी बीच में हम खेले, धोनी ने काफी हम लोग, तो पाजी हमेशा ऊपर खेलते थे, तो मिडिल ऑर्डर में जब आते थे तो कभी वो रहते थे नॉट आउट, कभी हम लोग को 10 या 20 ओवर मिलते थे, तो मुझे, मैं बोलूंगा पाजी डेफिनेटली सचिन महेंद्र सिंह धोनी। एक ऐसी चीज जो आप सचिन धोनी लक्ष्मण और शेखर धवन में कॉमन है? आई थिंक बड़े डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है, और आई वुड से कि उनका जो क्वालिटी है, हंसी मजाक पूरा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, और सब अलग तरीके से एंजॉय करते हैं भाई अपना गेम, वो मुझे लगता है, मैं भी सही बोल रहा हूँ मैं। इज वन कॉमन थिंग इन वन डे क्रिकेट आपके साथ कॉमन है? नहीं पता भाई। आपने डेब्यू में कितने रन बनाए थे वन डे में? मैं जीरो में, हाँ, जीरो पे आउट हुआ था परी। ये सारे खिलाड़ी भी जीरो पे आउट हुए थे, तो ऐसा नहीं कि जो पहले टेस्ट मैच या वन डे मैच डेब्यू में जीरो बनाए वो आगे बेहतर नहीं खेल सकता, तो ये एक छोटी सी आपको बताना चाहता था कि आप दोनों तरफ एलीट ग्रुप में रहे हैं। जब आपने T20 में शतक बनाया था तो कितनी गेंदों में बनाया था? 60 or 62 balls साउथ अफ्रीका के गेंस्ट। आप पास होने वाले नहीं हो लग रहा है। आपने 59 गेंदों में, 59 गेंदों में आपने बनाया था जी, और पता है कितनी बाउंड्रीज और कितने सिक्स मारे थे? पर इस 7 छक्के थे ये तो मुझे याद है, और आई थिंक 10 or 11 5 छक्के थे भाई, सॉरी। अभी देखो मैं बोला नहीं। बिल्कुल सही, आपके 9 चौके थे और 5-6 रन बनाए थे, और सबसे अच्छा था वो कवर पॉइंट के ऊपर से, उसका भी बहुत। आपका एक फेवरेट शॉट है मिड विकेट पे पांव रख के आप मारते हैं। दो चीजें इकट्ठी पूछ रहा हूं, एक जो नए खिलाड़ी आए हैं ये बल्ला जो है बहुत नीचे से पकड़ते हैं, लेकिन आप बल्ला बहुत ऊपर से पकड़ते हो, इसका कोई रीजन? नहीं, रीजन जब स्टार्टिंग में खेलते थे भाजी तो कभी नीचे से नहीं पकड़ते थे बैट, क्योंकि उस टाइम पे बैट का हैंडल ही बड़ा होता था, तो नीचे पकड़ते थे तो एल्बो में लगता था मेरे, तो फिर मैंने ऊपर से पकड़ा तो मेरा पूरा बैट कवर हो जाता था, फिर छोटे छोटे एल्बो थे तो दर्द होता था इधर, तो तब से ही आदत बनी हुई है मेरी बाजी को। और सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि उनको अच्छा लगता था कि उनकी एल्बो को अगर टच करता रहे तो कंट्रोल में है, तो आपको लगता था ऑड लगता था कि एल्बो के साथ अगर बल्ला? नहीं, मेरे पाजी इधर दर्द होता था हाथ में जो छोटे में पकड़ते थे, तो फिर जब नीचे से पकड़ते थे हैंडल लगता था इधर, तो उसे खेला नहीं जाता था मुझसे जो शॉट हम खेलते थे, फिर मैंने थोड़ा ऊपर पकड़ा तो हैंडल मेरा पूरा हाथ थोड़ा बड़ा है तो उससे वैसे हो जाता था अच्छे से, तो फिर वही आदत बनी हुई थी पाजी। वो अच्छा लगता था क्योंकि हम जो 60s या 70s 80s में खेले वो कहते थे अगर स्लॉग करना है जो बड़े बड़े सिक्स मारने हैं तो ऊपर से बल्ला पकड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप धोनी देखो, विराट कोहली देखो और आज के सचिन तेंदुलकर ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर, वो तो बहुत नीचे से पकड़कर सिक्स मारते हैं, तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। इवन वरिंदर सहवाग, सौरभ गांगुली, अगर इनको देखें जो
छह रन मारने में माहिर है, ये सब नीचे से पकड़ना शुरू कर दिया। ये बीच में पाजी राउंड हैंडल अलग आता है बैट का, टेपर हैंडल, मैंने भी नीचे से थोड़ा ग्रिप देखो कि तो चेंज हुआ है थोड़ा, तो जितना खेलते गए फिर आइडिया मिलता गया, लेकिन मैंने कभी ज्यादा नीचे से नहीं पकड़ा पाजी बैट को। एक बहुत फिटनेस के ऊपर है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत आप ध्यान देते हो। कितने आईपीएल मैचेस खेलने के बाद आप अनफिट हुए या मिस किया? एक मैच मैंने मिस किया था सीएसके के लिए, गुजरात लाइन्स के लिए कैप्टन। आई प्लेड 160 समथिंग, तो तब मैंने एक मैच मिस किया था, जो अब तक का मैच मेरा फर्स्ट मैच मिस था एवर। वो आई थिंक 160 गेम्स था या 165 था, ऐसी था पर 175 था। जो मेरी रिसर्च है ना, तो बिल्कुल तुम तो मेरे से भी अगर कमजोर हो लगता है ऐसे, बट खेलने में कमजोर नहीं हो।